सो हे व्हाट इज अप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। सो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक मार्शअप। बॉलीवुड का बेसिक मार्शअप है, लेकिन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मार्शअप जो कि काफी सारे यूट्यूबर्स ने पहले ही बना रखा है, उससे काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है मार्शअप, क्योंकि ना ही ये रोमांटिक है ना ही ये कोई सैड फीलिंग वाला है। ये मार्शअप बेसिकली एक फ्रीडम को दर्शाता है, एक इंडिपेंडेंस को दर्शाता है। और इस मार्शअप को आप बेसिकली कहीं पर भी बजा सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड जोन हो, चाहे वो फेयरवेल पार्टी या फिर कोई भी ऐसे कॉलेज का फंक्शन, ऐसे कोई भी इवेंट हो, वहां आप इसको आराम से बजा सकते हैं इस मार्शअप को। और ये मार्शअप बेसिकली गिटार पे काफी अच्छा लगेगा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मैं इसे शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाली है वीडियो, एक भी सेकंड मत छोड़ना इस वीडियो का। सो बेसिकली जो भी गाने इस मार्शअप में यूज हुए हैं वो उनका एक एक करके मैं नाम बता देता हूँ। सो फर्स्ट सॉन्ग इज इलाही फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, द सेकंड सॉन्ग इज सूरज डूबा है फ्रॉम द मूवी रॉय, एंड द थर्ड सॉन्ग इज ख्वाबों के परिंदे फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एंड द फोर्थ सॉन्ग इज है जुनून फ्रॉम द मूवी न्यूयॉर्क। सो ये चार सॉन्ग बेसिकली मैंने ढूंढे और इतने ज्यादा कोई टफ नहीं है इसको बजाना और गाना भी स्पेशली। सो जो भी सॉन्ग्स इस मार्शअप पे यूज हुए हैं वो सारे सॉन्ग्स बेसिकली एक ही स्केल पे बेस्ड है और वो स्केल है जी मेजर। सो इसी स्केल पे सारे सॉन्ग बज जाएंगे। ओरिजिनली सॉन्ग हाई स्केल पे है, इसलिए जब मैं प्रीव्यू के लिए सॉन्ग प्ले करूंगा तो मैं कैपो लगा के आपको दिखाऊंगा। आपकी स्केल मैच ना हो रही हो जी से तो आप किसी भी स्केल से गा सकते हैं कैपो लगा के या फिर कॉर्ड चेंज करके। बस मैं तो एक एग्जाम्पल की तरह जी ले रहा हूँ, जी कॉर्ड। सो चारों गानों को एक एक बार इंडिविजुअली सीखेंगे। सो सबसे पहले प्रीव्यू दिखाऊंगा मैं, फिर उसका स्ट्रमिंग पैटर्न बताऊंगा और कॉर्ड्स भी बताऊंगा। सो मेरी लिस्ट में सबसे पहला गाना है ख्वाबों के परिंदे, लेकिन आपको जो गाना अच्छा लगता है आप उसे पहले रख सकते हैं और बाद में रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप वो, क्योंकि सब एक ही जैसे प्ले होते हैं, एक ही स्केल पे हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन सा गाना पहले गाते हैं। मैंने अभी ख्वाबों के परिंदे वाला सॉन्ग लिया है, सो मैं इसी को भी दिखा देता हूँ पहले बजा के। आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे इस गाने की कॉर्ड्स। तो सबसे पहले जो हम लोगों की स्केल है जी मेजर, यही हम लोगों की फर्स्ट कॉर्ड रहेगी, और इसके बाद हम लोगों की आएगी सी एड 9, द थर्ड कॉर्ड इज ई माइनर 7, एंड द फोर्थ कॉर्ड इज डी मेजर। सो डी मेजर और जी मेजर आप लोग लगाना जानते ही होंगे, इसमें ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। ये दो बाकी भी बची कॉर्ड्स मैं बता देता हूँ कौन सी हैं। तो ये कॉर्ड है सी एड 9, सी एड 9 में आपको बस करना क्या है, ये आप जी जिस तरह लगाते थे आपको इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है, एक एक स्ट्रिंग, ये ऊपर की दो फिंगर्स को एक एक स्ट्रिंग नीचे कर देना है बस। सो ये बन जाएगा सी एड 9, ये पहले जी था अब ये सी एड 9 है, यू कैन सी द डिफरेंस। अब आपको सीखना है ई माइनर 7, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपका सी एड 9 था इसको जस्ट ये कर देना है। आप जिस तरह अपनी ई माइनर कॉर्ड लगाते हैं उस तरह आपको बस अपनी फिंगर्स थोड़ी चेंज कर देनी है और नीचे वाली उंगली उसी जगह रहेगी जैसे आप जी मेजर कॉर्ड में लगाते थे, बस ये दो उंगली आपकी ई माइनर की तरह वर्क करेगी। सो ये हो गई ई माइनर 7। आपको इतने चारों कॉर्ड्स लगाने की इस गाने में ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, आप सिर्फ इन तीन कॉर्ड से भी काम चला सकते हैं। ई माइनर 7 की शायद जरूरत ना पड़े, अगर आपको मन करे तो आप लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रमिंग पैटर्न, सो गाने की स्टार्टिंग में स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत ईजी है, डाउन डाउन करना है बस, और बीच बीच में ब्रेक्स हैं, किस जगह पर ब्रेक्स हैं वो मैं बता देता हूँ। एक स्ट्रमिंग पैटर्न में आपको 6 बार डाउन करना है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं बता देता हूँ उसमें चेंज कैसे आएगा। सबसे पहले वाले जो दो डाउन होंगे आपके, उसके बाद एक ब्रेक रहेगा, मतलब कि इस तरह से कुछ थोड़ा सा ब्रेक रहेगा, मतलब कि 5
फर्स्ट और सेकंड डाउन डाउन आपको जल्दी करना है, उसके बाद सेकंड के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना है कुछ इस तरह, ठीक है। इसके बाद आप 3 बार डाउन डाउन जल्दी जल्दी करेंगे और फिर ब्रेक लेंगे। ये था आपका पहले वाला, ये था आपको दूसरा वाला। सो दोनों को कंबाइन करने के बाद कुछ ये इस तरह का लगेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो आपके फर्स्ट वाले 2 हैं डाउन डाउन, उनको जल्दी करना है, फिर उसके बाद एक ब्रेक लेना है इस तरह से। इसके बाद 3 डाउन आपके आएंगे और उनके बीच में भी काफी कम सा डिफरेंस रहेगा। जल्दी जल्दी बाकी अगले वाले 3 डाउन को भी जल्दी जल्दी करना है और उसके बाद ब्रेक लेना है। ये जो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, यही होता है बेसिकली ब्रेक, और जो मैं बीच बीच में ऐसे जल्दी जल्दी करता हूँ, ये होता है जल्दी बजाना, मतलब बिना ब्रेक के। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एकदम लास्ट में जब ये हम लोग के 5 हो गए ना, फर्स्ट के 2, उसके बाद 3 मैंने बताया ये, ठीक है, उसके बाद एक लास्ट में एक और ले लेना है डाउन, जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से लगेगा, इतना ज्यादा टफ नहीं है। लेसन में आगे बढ़ते हैं। सो ये जो हमने सीखा डाउन 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 वाला स्ट्रमिंग पैटर्न, तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक ही कॉर्ड पे नहीं रहना है। जैसे कि हमने जी बजाया, फिर उसके बाद हमें C8 9 बजाना है, ठीक है। एक एक बार पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न एक कॉर्ड पे हमें दोहराना है कुछ इस तरह से। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्ट्रमिंग पैटर्न की तरफ। अभी तक स्लो चल रहा था, इसलिए हम डाउन डाउन वाला आराम से स्ट्रमिंग पैटर्न बजा रहे थे। तो जहाँ से गाना फास्ट होगा वहाँ से आपको पता चल जाएगा, तो आपको वहाँ पर अपना स्ट्रमिंग पैटर्न चेंज करना है और ये दूसरा वाला स्ट्रमिंग पैटर्न आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कुछ इस तरह का स्ट्रमिंग पैटर्न है। सो ये स्ट्रमिंग पैटर्न आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, यार स्ट्रमिंग पैटर्न डाउन अप चेक अप डाउन अप चेक अप डाउन अप चेक अप। सो ये काफी कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न है, तो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। डाउन अप चक, चक मतलब इस पे स्ट्रिंग पे हाथ मारना है, ठीक है। तो इस तरह डाउन अप चक फिर अप डाउन अप चक अप, तो इस तरह से पूरा हो जाएगा। डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप, ठीक है। तो काफी इजी था ये, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ये दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न था, अब आगे बढ़ेंगे तीसरे स्ट्रमिंग पैटर्न पे। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं एक या फिर इन दो स्ट्रमिंग पैटर्न से ही आप कंफर्टेबल हैं, तो आप इन दो ही को बजाइए गाने में, या फिर एक को भी जो सबसे पहले डाउन डाउन वाला था आप उसको भी पूरे गाने में बजा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अपने थर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न की तरफ। डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, ये भी काफी कॉमन सा स्ट्रमिंग पैटर्न है। तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न कहाँ से लगेगा ये मैं बता देता हूँ। जहाँ से ये वाली लाइन आती है, हवाओं में बह रही है जिंदगी, ये वाली लाइन जहाँ से आती है वहां से आपको ये वाला स्ट्रमिंग पैटर्न लगा सकते हैं अगर आपका मन करे तो। लिरिक्स पे ज्यादा ध्यान ना देना, मुझे याद नहीं होती, इतना चलता है वैसे, आप लोग याद कर लेना, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट कॉर्ड, डी कॉर्ड, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे बजा सकते हैं, मतलब ये इस पे कैसे आएंगे बेसिकली हम लोग, तो वो ऐसे गाना एक बार प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आई गेस आप लोग समझ गए होंगे, जो ये लास्ट वाली लाइन आती है, ओहो अब तो जो भी हो सो, तो इस तरह से आपको बजाना है। अब तो यहाँ आएगा ओहो, बेसिकली ऐसे C9 पे ओहो से स्टार्ट, उसके बाद अब तो एंड जो भी हो सो, सो इस तरह से ही कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर सेकंड सॉन्ग, तो सेकंड सॉन्ग हम लोगों की लिस्ट में बेसिकली है जुनून। ये बेसिकली न्यूयॉर्क मूवी का गाना है, तो इसको हम लोग बेसिकली जी मेजर कॉर्ड पे ही करेंगे। अब हम लोग कैपो नहीं लगाएंगे, कैपो हम लोगों ने बेसिकली इसलिए लगाया था क्योंकि वो वाला सॉन्ग थोड़ा हाई पिच का था और वो मुझे याद नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि उसको एक बार प्ले करके सुना दूं, तो मैंने इसलिए कैपो लगाया था। इसको मैं गा के एक बार सुना देता हूं। यारों जी भर के जील पर लगता है आजकल दौर अपना का, यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। तो बेसिकली इस गाने को सीखेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं बेसिकली इस गाने में, आप लोगों को बस वही 4 कॉर्ड्स याद रखनी है
और जो थर्ड वाला स्ट्रमिंग पैटर्न हमने सीखा था फर्स्ट सॉन्ग में उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जी कॉर्ड लगेगी, उसके बाद सी एट नाइन, उसके बाद ई माइनर सेवन एंड इन द लास्ट डी मेजर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर थर्ड सॉन्ग, द सॉन्ग नेम इज इलाही, सो आई विल प्ले दिस सॉन्ग। तो हल्का सा एडवांस जाएंगे इस गाने में, और ये वाला स्ट्रमिंग पैटर्न बेसिकली आप प्लेक्ट्रम से नहीं बजा सकते, अगला वाला जो इसके बाद वाला स्ट्रमिंग पैटर्न है आप उसको बजा सकते हैं इसके बजाय। जब शुरुआत होगी गाने की जहाँ से नाना नाना ना वाली लाइन आती है, तो उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रमिंग पैटर्न बजेगा। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस ये जो आपका लोअर साइड ऑफ योर पाम है इसको आपको मारना है यहाँ। और बेसिकली आपका गिटार अगर मोटा होगा तो उसमें से साउंड आएगी, वरना पतले गिटार से ये साउंड नहीं आ सकती। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप दूसरा स्विंग पैटर्न भी ट्राई कर लेना, वो भी अच्छा है। इसको आपको करना बेसिकली ये है कि आपको जब इस पे मारना है तो साथ में आपको एक बार स्ट्रम भी करना है, मतलब ऐसे कुछ, ठीक है। और जब आप मारेंगे तो डाउन स्ट्रम होगा, और जब अप स्ट्रम लेंगे आप तो कोई भी ऐसे मारना नहीं है आपको, बस जस्ट ऐसे अप स्ट्रम ले लेना है। तो या तो आप ऐसे फिंगर से कर सकते हैं या अंगूठे से ऐसे। सो ये ऐसे ही इजी है। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको ये आ जाएगा, काफ़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा इजीली, इतना ज़्यादा कठिन है नहीं। सो दूसरा जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। सो बेसिकली ये भी वैसा ही है, डाउन अप चकअप, डाउन अप चकअप, डाउन अप चकअप। तो इसको जल्दी जल्दी अगर प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह साउंड करेगा। तो ये भी बहुत इजी था। तो ये दो स्ट्रमिंग पैटर्न हैं, आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा बजाना है इस गाने में। दोनों ही अच्छे हैं, आप चाहें तो दोनों को ही बजा सकते हैं सॉन्ग पे। एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये चारों गाने आप पहले सुन लीजिएगा एक बार, और थोड़ा बहुत ऐसे मेलोडी याद कर लीजिएगा। कुछ लोगों को तो याद होगी भी, जैसे जिनको नहीं याद है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए ये सब समझना। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले गाने की तरफ। सो सूरज डूबा है गाने का नाम है, ये भी बहुत ईजी सा है। जैसा कि मैंने बताया था ये सारे गाने एक जैसे लगते हैं, सो स्ट्रमिंग पैटर्न भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं इसमें। बेसिकली वही वाला अगर आप बजाना चाहें, इलाही वाला जो स्ट्रमिंग पैटर्न मैंने सिखाया हार्ट बीट स्टाइल में, उसको भी आप बजा सकते हैं, मतलब या फिर आप ये वाला बजा सकते हैं। सो आप कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न चूज़ कर सकते हैं, आप ये वाला सॉन्ग बजा सकते हैं, और ये चारों सॉन्ग्स को आप जब एक साथ प्ले करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो ये चार सॉन्ग्स मैंने आपको बता दिए। सो आई होप यू गाइज हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।